कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद सड़क पर उतरे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में रात 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत पटना प्रशासन ने डाक बंगला चौराहा, पटना जंक्शन, जीपीओ गोलंबर सहित अन्य कई स्थलों पर खुले दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया। पटना के दुकानों को बंद करवाने के लिए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा सड़कों पर उतरे। वहीं लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहें। नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है, 9 बजे के बाद जो गैर जरूरी वाहन है या गैर जरूरी मूवमेंट है उस पर रोक लगाई गई है। इसमें एक बात उल्लेखनीय है कि बस स्टैंड चालू है, स्टेशन चालू है, एयरपोर्ट चालू है। इस वजह से कुछ आपको रात में कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटो, टेम्पो दिख सकता है। ये पब्लिक के मूवमेंट को रोकने के लिए है कि जो लोग कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे हैं या किसी इमरजेंसी में नहीं जा रहे हैं वो लोग 9 बजे से निकलना बंद कर दें। उसी को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने के लिए 6 बजे से यहाँ दुकानें बंद की गई। देखिए अभी आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच रहा है कि प्रत्येक दिन कितनी संख्या में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। हर तरह की न्यूज़ लोगों तक पहुँच रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुँच रही है। तो लोगों में इस जानकारी का अभाव नहीं है कि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। आज भी 2000 से ज़्यादा केसेस पटना में आए हैं। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, हेल्थ इशू है। अपनी सुरक्षा अगर करेंगे तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी और संक्रमण को फैलने से भी रोकेंगे। सरकार का जो एक कदम है इसमें लोगों को बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए।